गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ओटीपी हमारे पास नहीं आ रहा है पीएनबी एम पासबुक में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो है कुछ सेटिंग किया, उसके बाद मेरा ओटीपी आ गया। तो आप कैसे अपना ओटीपी मंगवा सकते हैं, आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। यदि आप भी जो है पीएनबी एम पासबुक इस्तेमाल करते हैं, एप्लीकेशन पीएनबी एम पासबुक ओटीपी नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम फिक्स करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो यदि आपको भी इस तरह की दिक्कत आ रहा है, तो सबसे पहले दोस्त जो है आपको अपने मोबाइल जो एप्लीकेशन है एम पासबुक एप्लीकेशन जो है इसे अनइंस्टॉल कर देना। फिर से इंस्टॉल करने के बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है ओटीपी के सेक्शन में आ गए हैं हम। जैसे हम अपना जो है नंबर वगैरह सब कुछ डाल देंगे, जो है कस्टमर आईडी नंबर जो होता है वो डाल देंगे, उसके बाद हम इस सेक्शन पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो है हम रिसेंट ओटीपी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने रिसेंट ओटीपी के ऊपर क्लिक किया जो है, फिर से हम इंतज़ार लग रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है ओटीपी आया नहीं है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सेटिंग कौन से करना है ताकि आपका ओटीपी वापस आ जाए। तो यहाँ पे आपको बता दो दोस्त जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं हम ओटीपी का इंतज़ार कर रहे हैं, बट अभी तक जो है ओटीपी आया नहीं है। तो यहाँ पे आपको करना ये है दोस्त जो है, आपको एक बार क्या करना है जो है इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करने के बाद जो है फिर से इंस्टॉल करना है, और साइन इन होने के बाद जो है जब ओटीपी नहीं आ रहा हो तो आपको जो है अपने मोबाइल को जो है एक बार जो है फ्लाइट मोड एक्टिवेट कर देना है। जी हाँ, जैसे आप फ्लाइट मोड एक्टिवेट कर देंगे, उसके बाद कुछ ही क्षण के बाद जो है आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा। यदि फिर भी ओटीपी नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आपको बता दूँ जो है आपको अपने मोबाइल को जो है एक बार रिचार्ज करने की ज़रूरत है, जिससे जो है प्रॉब्लम पूरी तरह से फिक्स हो जाएगा। फिलहाल मेरे केस में जो है ओटीपी नहीं आया जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने गलत ओटीपी डाला था। सो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।